सो हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएससी के लिए बेस्ट फिंगर डिवाइस कौन सी परचेस करनी है और उसे परचेस करने के बाद उसके अनबॉक्सिंग से लेकर इंस्टॉलेशन तक की प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे प्रेस कीजिए क्योंकि मैं जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको अमेजोन पे आना है और यहाँ पे मंत्रा डिवाइस आपको सर्च करनी है। मैंने इसकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने दो लिंक्स दिए है वहाँ पे, एक तो मंत्रा की है और दूसरी मार्फो डिवाइस की है। सो आपको इन दोनों में से किसी एक डिवाइस को परचेस करना है। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो मंत्रा की प्राइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1799 को आपको ये डिवाइस मिल जाएगी और जो मार्फो की डिवाइस है ये आपको 2390 रुपीस को मिल जाती है। सो आपको इन दोनों में से कौन सी डिवाइस परचेस करनी है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको यहाँ पे आरडी सर्विस चेक करनी है। जैसे कि आप मंत्रा डिवाइस एक बार परचेस करते हैं आपको वो लाइफ टाइम आरडी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। जो मार्फो डिवाइस के आरडी सर्विस है उसको आपको पर ईयर रिन्यू करना पड़ता है। तो मेरी माने तो आप मंत्रा डिवाइस ही परचेस कीजिए क्योंकि ये सीएससी के लिए बहुत ही बेस्ट और कम प्राइस में और आरडी सर्विस आपको लाइफ टाइम इसमें मिल जाती है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मंत्रा डिवाइस ही परचेस करिए। सो ये आपको बेस्ट सर्विस के साथ कम प्राइस में मिल जाती है। सो मैं अभी इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो इस तरीके से आपको ये कुरियर के थ्रू ये बॉक्स मिल जाएगा। सो आपको ये बॉक्स मिलने के बाद आपको इसे अनबॉक्स करना है। सो मैं इसे अनबॉक्स करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो सबसे पहले तो अभी मैं इसे ओपन करूँगा। सो ओपन करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सो ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से ये मंत्रा डिवाइस मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये मंत्रा डिवाइस मिल जाती है और इसके साथ आपको एक ओटीजी मिल जाती है। सो इस ओटीजी को आप यहाँ पे कनेक्ट करके किसी भी मोबाइल डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये डिवाइस मोबाइल में भी यूज़ हो जाती है। सो देन आपको उसके साथ एक क्लीन पेपर मिल जाता है। सो इसके थ्रू आप इसमें इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। सो ये तो हो गई अनबॉक्सिंग। सो अभी मैं इसे क्या करता हूँ, मेरे पीसी से कनेक्ट करता हूँ और इसके जो ड्राइवर्स है इसे इंस्टॉल करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है मंत्रा ड्राइवर्स। सर्च करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद जो सबसे फर्स्ट जो लिंक दिख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। सो मैं यहाँ पे कैप्चा फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो कैप्चा फिल होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सभी ड्राइवर्स मिल जाते हैं। सो ये आरडी सर्विस का ड्राइवर है और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये विंडोज डाउनलोड MSF 100 ड्राइवर्स है। सो सबसे पहले तो आपको इसे डाउनलोड करना है। सो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे सेव करना है। सेव करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। देन आपको आरडी सर्विस भी डाउनलोड करनी है। सो मैं यहाँ पे आरडी सर्विस भी डाउनलोड कर देता हूँ। आरडी सर्विस पे क्लिक करने के बाद सो आपको इसे भी सेव करना है। सो आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आरडी सर्विस भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। देन आपको क्या करना है, विंडोज डाउनलोड क्लाइंट सर्विस भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है। सो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे भी सेव करना है और सेव करने के बाद ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे आपको वेट करते रहना है। ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाने के बाद आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है ये बताता हूँ। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। सो यहाँ पे कंप्लीट ये ड्राइवर्स डाउनलोड हो चुके हैं। सो अभी मैं फाइल एक्सप्लोर पे जाता हूँ। सो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये तीनों ड्राइवर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो सबसे पहले तो आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। सो ये ड्राइवर है, देन आपको आरडी सर्विस को इंस्टॉल करना है, देन आपको क्लाइंट सर्विस को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो मैं ड्राइवर को इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे
राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इसका पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा। सो आपको इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे वेट करना है। सो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मंत्रा का टेस्ट एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सो देन ये ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। सो आपको इसे कुछ नहीं करना। देन आपको मंत्रा की आरडी सर्विस इंस्टॉल करनी है। सो उसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से सेटअप का पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा। सो आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डोंट क्रिएट स्टार्ट मेन्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है। सो आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। सो थर्ड आपको MS100 की क्लाइंट सर्विस को इंस्टॉल करना है। सो उसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। सो आपको फ्रेश है तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। सो यहाँ पे ये सभी ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको एक बार अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है। सो मैं यहाँ पे मेरे पीसी को यहाँ पे रिस्टार्ट कर देता हूँ। सो रिस्टार्ट करने के बाद मैं आपको मंत्रा भी टेस्ट करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। सो मैं अभी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रिस्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिस्टार्ट एनीवेयर पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे ये रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है। सो आपको यहाँ पे वेट करना है। सो यहाँ पे ये पीसी रिस्टार्ट हो चुका है। सो अभी मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और रिस्टार्ट हो जाने के बाद आपको सबसे पहले तो आपको मंत्रा टेस्टिंग करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोर ओपन करना है। देन आपको सी ड्राइव में जाना है। देन आपको प्रोग्राम फाइल्स को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मंत्रा दिख जाएगी, सो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको MFS100 पे क्लिक करना है। देन ड्राइवर्स पे क्लिक करना है और सेकंड में आपको MFS100 टेस्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव पे क्लिक करना है। सो इस तरीके से आपको इसका मैसेज राइट साइड में आपको दिखाएगा, डिवाइस कनेक्टर और फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज। सो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इनिशियलाइज पे क्लिक करना है। आपको स्टार्ट टू कैप्चर पे क्लिक करना है। देन आपकी जो मंत्रा डिवाइस है उसमें रेड लाइट आ जाएगी, सो आप उसमें फिंगर रख सकते हैं। फिंगर रखने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर सक्सेसफुली का एक पॉपअप मैसेज मिल जाएगा। सो आपको उसे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको इस टेस्ट एप्लीकेशन को एग्जिट करना है। इसे एग्जिट करने के बाद आपको इसे ब्राउजर में कैसे यूज करना है, उसके लिए आपको ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है Chrome:// लगा के आपको यहाँ पे फ्लैक्स टाइप करना है। सो ये सर्च करने के बाद आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट। सर्च करने के बाद इस तरीके से आपको लोकल होस्ट का मिल जाएगा। सो ये डिजेबल होता है, इसे आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे पॉपअप मैसेज मिल जाएगा इसे रिलॉन्च करने के लिए। सो इसे रिलॉन्च कर सकते हैं। फाइनली आपने इसे इनेबल करने के बाद आप जिस सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं उस सर्विस को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।